हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इसके पहले हम कुछ वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने देखे थे रिसोर्स जो होते हैं वो स्केयर्स होते हैं और साथ ही उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं और जो है, वांट होती है वो अनलिमिटेड होती हैं और इन स्केयर्स रिसोर्स के कारण हर इकोनॉमी को कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स पर सोल्यूशन निकालने होते हैं और वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने देखे थे सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं वॉट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ चॉइसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स द प्रॉब्लम ऑफ मेरिट गुड्स प्रोडक्शन और इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो जो हमारे पास स्केयर्स रिसोर्सेस है उन स्केयर्स रिसोर्सेस को ठीक से सोसाइटी में अलोकेट करने के लिए थेटिकली हमारे पास दो इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं सबसे पहला है सोशलिस्ट इकोनॉमी सबसे पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है वेलफेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसके डिसीजन प्राइवेट ओनर्स लेते हैं प्राइवेट बिजनेसेस लेते हैं जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट लेती हैं इन प्रैक्टिस ऑल कंट्रीज हैव हैडॉप्टिड सिस्टम विच इज़ ब्रॉडली आइडेंटिफाइड एज मिक्सड इकोनॉमी इन प्रैक्टिस प्रैक्टिस में क्या हुआ है कि कंट्रीज़ ने ऐसा सिस्टम अडोप्ट किया है जिसे हम मिक्सड इकोनॉमी कहते है। में में economy, uh, हैं मिक्सड इकोनॉमी में जिसमें प्राइवेट इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी भी होती है मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी भी होती है द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स मे बी टैकल इन सेवरल वे एंड ईच इकोनॉमी ट्राई टू सॉल्व इट इन लाइन विद इट्स ओन चूजन ऑब्जेक्टिव रिसो स्कीयर्स रिसोर्स का जो प्रॉ स्कीयर्स रिसोर्स के वजह से जो प्रॉब्लम होता है रिसोर्स को एलोकेट करने में इस प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से इकोनॉमी सॉल्व करने की कोशिश करती है और वो इकोनॉमी अपने ऑबजेक्टिव के हिसाब से उन रिसोर्सेज को क्या करती है एलोकेट करती हैं तो रिसोर्स एलोकेशन इन मिक्स इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी एको, में रिसोर्स एलोकेशन कैसे होता है मिक्स इकोनॉमी में जो कुछ डिसीज कुछ डिसीजंस जो है वो मार्केट पे छोड़ दिए जाते और जो कुछ डिसीजन है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट गवर्नमेंट लेती है सम एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर रिजर्व फॉर गवर्नमेंट कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट ही उनको गवर्नमेंट ही उन्हें संभालती है जैसे कि डिफेंस सिस्टम गवर्नमेंट के पास ही होता है द गवर्नमेंट एक्वायर द नेसेसरी प्रोडक्टिव रिसोर्स फॉर दिस एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉय दम इन कन्फॉर्मिटी विद इट्स प्रायोरिटी और जो सेक्टर गवर्नमेंट के पास ही रिजर्व होते हैं उन उन उनके फंक्शनिंग के लिए गवर्नमेंट क्या करती है सोसाइटी से या रिसोर्स एक्वायर करती है और उन्हें ज़रूरत के हिसाब से उन्हें एम्प्लॉय कर देती हैं ठीक है थीके? इसके अलावा जो प्रोडक्शन पैटर्न होता है पब्लिक सेक्टर का और प्राइस जो होता है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय पब्लिक सेक्टर इसका जो इम्पैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के रिसोर्स एलोकेशन में भी पड़ता है इसका एग्जांपल मैं आप, आपको दे दूं कि हम सोसाइटी में देखते हैं कि हमको हॉस्पिट हॉस्पिटल्स है स्कूल्स है पब्लिक और ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये सारे जो सिस्टम है ये हमें गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है और प्राइवेट प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी प्रोवाइड करते हैं लेकिन अगर ये जो हॉस्पिटल्स है स्कूल्स है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है टेलीकॉम सिस्टम है अगर ये सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है इसका अगर प्राइस इतना लो है प्राइस भी लो है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है तो लोग तो गवर्नमेंट सर्विसेज को ही लेना पसंद करेंगे प्राइवेट सर्विसेज को लेना क्यों पसंद करेंगे है ना इसके लिए क्या करें इसके लिए जो प्राइवेट सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर क्या करता है कि मार्केट में खड़े रहने के लिए वो भी अपना प्राइस इस तरह से डिज़ाइन करता है ताकि लोग उसके भी गुड्स एंड सर्विसेज को यू, यूज़ कर सके सपोज़ एग्जांपल अगर बी एस एन सपोज कि टेलीकॉम कंपनी बी बे, एस एन एल और कोई भी प्राइवेट कंपनी और बी अगर बी एस एन एल ही अपना सर्विस uh, जो है वो बहुत अच्छा दे रहा है दे रहा है तो सारे जो लोग हैं वो सारे लोग बी एस एन एल की तरफ ही जाएंगे कोई और प्राइवेट कंपनीज की तरफ क्यों जाएंगे और क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनीज़ को अगर मार्केट में अगर खड़ा रहना है तो उन्हें भी अपने प्राइजेस और अपने सर्विसेस इस तरह से देने देने पड़ेंगे ताकि लोग लोग जो है उनके भी जो सर्विसेस है और जो भी सर्विसेस है और जो भी गुड्स है वो ख़रीद सके इसके अलावा जो भी प्राइवेट कंपनीज़ होती है इंडिया में वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं होती है पहले तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा जो भी वो अर्निंग करते हैं उन पर उनको टैक्स देना पड़ता है उनका प्राइसेस जो प्राइस जो है वो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल भी किया जाता है दूसरा कि जो इंडस्ट्रीज़ है अभी जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट सबके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है तो कई बार वो जो एंटरप्रेनर्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं इन इंडस्ट्रीज़ को खड़ी करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है सपोर्ट करती है और सपोर्ट करने के लिए वो उन्हें कुछ सब्सिडीज़ भी देती है एडिशनली वेरियस लेवल वेलफेयर मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स बाय गवर्नमेंट सो जो लेबर वेलफेयर मेजर्स भी होते हैं ये कौन एन्फोर्स करता है वो एन्फोर्स करती है गवर्नमेंट सिमिलर स्टेप्स आर टेकन टू एनकरेज द यूज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स फॉर एनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज ऑफ द कंट्री फॉर रिमूविंग स्पेसिफिक शॉर्टेज एंड ब्रिंगिंग अबाउट अ बैलेंसड डेवलपमेंट ऑफ ए इकोनॉमी एज एज अ होल ठीक है तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बैलेंस डेवलपमेंट इकोनॉमी का जो है वो बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए तो गवर्नमेंट क्या करेगी गवर्नमेंट जो है वो अप जो अपने प्रोडक्टिव रिसोर्स है प्रोडक्टिव रिसोर्स को वहाँ पे एम्प्लॉय कर देगी जो कि बैकवर्ड है बैकवर्ड बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है या जो सोसाइटी में बैकवर्ड पीपल पीछे रह गए हैं बट उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है उन पर वो अपना जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेस है वो वहाँ पे यूज़ करेगी जिससे कि वो जिससे कि सोसाइटी का बैलेंस डेवलपमेंट हो सके सो so गाइस ये था एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस सॉल्यूशन टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स थैंक यू